नूरपुर बस हादसे की जांच की मांग करते करते अब परिजनों के पास शब्द खत्म हो चुके हैं। समाज सेवी संजय शर्मा व अन्य सहित हादसे का शिकार हुए बच्चों के परिजनों ने नूरपुर अस्पताल स्थित उस स्थान पर जहां मृत बच्चों के शरीर को उनके परिजनों को सौंपा गया था के स्थान पर मृत बच्चों के चित्रों के आगे मोमबत्तियां जलाकर ऊपर वाले से इंसाफ की मांग कर एक मौन जुलूस निकाला, जो नूरपुर अस्पताल से शुरू होकर बस स्थित मैपल फार्म तक चला। उल्लेखनीय है कि अपने नूरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मैपल फार्म में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। समाज सेवी संजय शर्मा तथा मृत बच्चों के परिजनों ने बच्चों के चित्रों को हाथों में लेकर सभास्थल से कुछ दूर पहुंचते ही रुक गए और अपना मौन प्रदर्शन जारी रखा। समाज सेवी संजय शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अब भी और कुछ नहीं बोलेंगे। इस मामले में जितना बोला जा सकता था बोला जा चुका है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सरकार के प्रतिनिधियों से भी काफी बार इंसाफ की गुहार लगा लेकर मिला जा चुका है, लेकिन आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला। इसीलिए मौन प्रदर्शन का सहारा लिया जा रहा है, शायद इससे सरकार पर कुछ असर हो और हादसे का शिकार हुए बच्चों को इंसाफ मिल सके। प्रदेश में एक्चुअली मुख्यमंत्री महोदय आज नूरपुर प्रवास पर हैं। सबसे पहले तो ये नूरपुर जो बस स्कूल बस हादसा था उसके पीड़ित परिवार हैं सारे हमारे साथ। इन लोगों ने हम लोगों ने प्रशासन और शासन के पर नाक तक भी रख ली है अपनी, सिर्फ मात्र एक जांच की मांग कर रहे हैं कि बस हादसे की वजह क्या थी। तो अब बहुत बोल चुके हैं, नाक भी रगड़ी, तो आज हम लोग चुपचाप मौन तरीके से यहाँ पर आए हैं ताकि मुख्यमंत्री महोदय खुद संज्ञान लें इसकी।